अस्सलाम वालेकुम, आज मैं तीन दिन के टेक्सेला सिटी में मौजूद हूँ दिल्ली साहब, और आज हम जाएंगे टेक्सेला मीटिंग में। तो आप हमारे साथ जुड़े रह रहे, हम रिक्शे में जाएंगे क्योंकि वो हमसे 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। फाइनली हम यहाँ पर म्यूजियम पर पहुँच गए, तो हम अंदर जाते हैं, अब क्या अंदर क्या देखते हैं। तो ये हमने 2 टिकट लिए, हम 2 बंदे। ये देखो 20 रुपये का है, 40 रुपये दोनों का हो गया है। क्या है, लगता है ये 1928 में बना हुआ है। तो यहाँ पर इसका तारीफ भी लिखा हुआ है। ये इसका व्यू है, ये देखो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। ये देखो इसका सर भी तोड़ चुका है, हाथ पाँव भी नहीं है। ये महात्मा बुद्ध का मालमकारी वाला जस्मा है, यहाँ पर नीचे नाम लिखे हुआ है। ये देखो हर सिख तीसरा कदीम शहर। ये तो सारे यार बर्तन पड़े हुए हैं, ये सब कुछ खास नहीं है। ये देखो ये क्या है, ये तो बहुत पुरानी चीज है। यहाँ पर भी तांबे और लोहे की घंटियाँ है, ये तो घंटियाँ है लेकिन बहुत अजीब अजीब है। ये देखो ये घंटियाँ है पुराने ज़माने में। और ये है एब्रक है या उब्रक है, इसके 2 पीसेस ऑफ मिका ये लगते हैं मुझे। ये देखो पता नहीं ये किसके, तो पत्थर लगते हैं और उब्रक का पता नहीं ये उब्रक क्या होता है। और ये काला चीज़ क्या है, इसकी लकड़ी के दूड़े का टुकड़ा, ये किसी लकड़ी का टुकड़ा है। और ये काला मरीच है या क्या है पता नहीं, ये सारे पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखो और ये रेड़ी के तारदार पाए, और ये पाए पता नहीं ये किस चीज़ के पाए। और यह है कंसे की बनी हुई जंजीर है और हिट्टे, ये ऊपर क्या है, तो जंजीर है यार, सड़ी हुई जंजीर है, बहुत पुरानी। दरवाजे की कुंडियाँ पहले इस तरह हुआ करती थी, ये देखो बहुत पुरानी है, सारे तांबे के बने हुए हैं। और ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये सारे लोहे है यार। और ये क्या, और ये मदनियात के नमूने हैं, ये तो बहुत अजीब पत्थर है। ये देखो यार पत्थर पड़े हुए पुराने और कीमती पत्थर है, ये तो बहुत खूबसूरत देखते हैं यार। ओ ये देखो, ये तो इंतहाई दर्ज हरारत पर पकाया हुआ सांगे सुलेमानी का टुकड़ा, ये देखो ये तो बहुत कीमती पत्थर देखते हैं। और ये पत्थर से बने हुए हैं, बहुत पुराने, जो पहले ज़माने में लोग इस पर लड़ाई झगड़े करते हुए थे। ये तो बहुत छोटे यार सिपाही के हथियार, पता नहीं ये किस चीज़ के, ये तो तांबे के बने हुए हैं ऐसे लगते। और ये है वो जो आंख के साफ होती है, क्या कहते हो इसको। और ये पुराने चाकू है जो चीज़ें काटने के लिए इस्तेमाल होती है, तो बहुत ही पुराने लगते हैं। और ये है नेज़े चाकू और तीर है ये, जो टूटे हुए हैं, टूट फूट के रखे हुए। और दुधारी तलवारें, ये देखो ये पुराने तलवारें, ये तो पत्थर के बने हुए देखते हैं, पत्थर लगते हैं। और ये क्या है, कुल्हाड़े और पावड़े हैं, ये कुल्हाड़े देखो किसान के औजार है ये, इस पर तो अभी इस ज़माने में भी है लेकिन ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। ये तेशे अउल कुल्हाड़े है, तेशे अउल कुल्हाड़े, ये भी कुल्हाड़े बहुत पुराने हैं लेकिन आज के ज़माने में भी कुल्हाड़े इसी तरह है, कोई चेंज नहीं आया।
ये दरांतिया है, सीकलेस जो हम घास काटने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये क्या है, नीचे वाला बोर्ड नहीं लगा हुआ है, ये भी नीचे जैसे देखते हैं। ये लोहार के औजार, पता नहीं वो इस पर क्या काम करते थे, लेकिन ये तो बहुत अजीब जैसे देखते हैं, जैसे कि वो मिसाइल नहीं हो उसे जैसे देखते हैं सारे। ये हथौड़े और चीनियाँ, चीनियाँ क्या होती है यार, बहुत अजीब अजीब चीज़ें यार, पहली बार में आ रहा है, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलता। और ये भी पता नहीं क्या, और ये तो क्या कहते हैं उसको, हथौड़े, ये तो बहुत अजीब है यार। और ये तो पुराने पत्थर लगते, पता नहीं नाम नहीं लिखा हुआ है। और ये तो सींग लगते हैं किसी बड़े जानवर के, यार ये क्या है पता नहीं, इसके साथ भी नाम, लेकिन सींग जैसे देखते हैं ये बिल्कुल। और ये क्या है पता नहीं। और ये भी वही चीज़ है जो बता दिया, ये क्या है पता नहीं। ये तो दो चीज़ें आपस में मिले हुए, एक दूसरे से किस करते हैं पता नहीं, ये तो बहुत अजीब चीज़ है यार। ये पुराने ज़माने में लोग इसको किस तरह इस्तेमाल करते थे कुछ मालूम नहीं है। और ये लिखा हुआ आप खुद पढ़ सकते हो, मैं इसे वक्त के लिए इसको जूम करके दिखाता हूँ। हाथी का मुँह, ये तो हाथी का जबड़ा है, जबड़ा क्या होता है मुँह, हाथी का मुँह देखो। और ये भी लकड़ी के बने हुए हैं यार, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ये तो नपने की चीज़ है। ये भी तांबे के बने हुए जाम है जिसमें शराब की चीज़ें लगती है, जो पुराने जिल जली हुई दरख्त की छाल पर लिखी हुई बरहमी और संस्कृत तहरीर है। ये तो बहुत पुराने तहरीर है, लेकिन कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, पता नहीं किस चीज़ पर लिखे हुए हैं। और जली हुई दरख्त की छाल पर लिखी हुई बरहमी और संस्कृत तहरीर है, ये संस्कृत जबान की है, लेकिन तो ठीक से देख भी नहीं सकते कोई, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है, इस पर लिखा तारदार पायो वाली आहनी गाड़ी, ये गाड़ी है, पता नहीं किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती थी पहले ज़माने में। और ये तो बिल्कुल टूटी हुई है। हम और चीज़ें भी देखते हैं, ओ ये क्या चीज़ है, ये देखो, ये तो आज के ज़माने में भी है, ये वाला चीज़ है, ये तो आज के ज़माने में भी है। और ये बीच में जो है पता नहीं ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत बड़ा पत्थर है, अजीब सा देखते हैं, इसके ऊपर, इसके सर पर ऊपर निशान भी है। और ये तो छोटे बच्चों वाली तालाब लगते हैं, मंथी तालाब है, व्हाट यू आर रिचुअल टैंक्स सर, जिसमें छोटे बच्चे नहाते थे पहले ज़माने में आई थिंक। और ये पता है बहुत अजीब चीज़ है, लेकिन ये छोड़ता हूँ मैं, आगे चलते हैं, पता नहीं आगे क्या चीज़ है। मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ, और ये है पाकिस्तान में टेक्सटाइल के ज़ू, अगर आप यहाँ आना चाहते हो। ये टेक्सेला में वाकया है ये जो, टिकट भी बहुत कम है और बहुत मज़ेदार है। ये ऊपर का व्यू है, ये देखो बहुत है, ये मेरा छोटा भाई, ये भी मेरे साथ आया हुआ है। ये देखो पत्थर और दांत की मोतियाँ, और ये पायदान फुट रेस्ट, इस पर पता नहीं लोग कैसे फुट रेस्ट करते थे, ये तो बहुत अजीब है, जिस ये जो आजकल के ज़माने में इस तरह हमारे घरों में भी होता है, जिस पर हम बैठते काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं पुराने ज़माने में किस काम के लिए इस्तेमाल होती थी, किस तरह फुट रेस्ट करता था इस पर। और ये देखो ये बुद्ध का चेहरा है। और ये देखो ये तो केचुआ लगता है यार, दो सारों वाला, ये देखो एक सर ये वाला है और एक सर ये वाला है, पता नहीं। और ये इसमें सांप भी है, इसमें पता नहीं क्या चीज़ है। और ये तो भूत है, ये सारे यार पत्थर से बने हुए भूत है। और ये अस्तूप की कुंटी है, अस्तूप पता नहीं ये क्या होता है, ये नाम देखो अस्तूप लिखा है, अस्तूप की कुंटी। इंसानी मुजस्मों से मोजीन दरवाजे की चौकट के हिस्सा, ये तो चौकट है जो हमारे घरों में आजकल भी होते हैं, लेकिन ये तो पत्थर के बने हुए थे और हमारे ज़माने में लकड़ी से बने होते हैं।
ये तो बहुत हैवी हो गया, वज़न होगा इसका, ये था मेरा। तो ये तो क्रिकेट वाले बाल देखते हैं, गेंद ये तो बहुत अच्छे, बिल्कुल गोल है ये देखो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई यार। ये क्या चीज़ें हैं? ये तो पुराने ज़माने के पैसे लगते हैं, जो रुपया हम उसको कहते हैं सिक्का, सिक्के के पैसे है। ये देखो बहुत अजीब अजीब शक्लें बनी हुई है, ये चोरस है, पता नहीं ये पुराने ज़माने में कैसे बांधते थे। बहुत सी अजीब अजीब पिचकारी भी हुई है, समझ में नहीं आता। टेक्नोलॉजी तो आजकल के दौर के ज़माने में है, लेकिन ये देखो ये इस इतने छोटे सिक्के पर इतनी पिचकारी हुई है, बहुत ही खूबसूरत है, अजीब है यार। ये इसकी तारीख आई थिंक, पता नहीं क्या लिखा हुआ, बहुत पढ़ सकता। और ये भी इसके साथ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इधर लाइट है तो ठीक से देखता नहीं। और ये तो जेल लगते है, पता नहीं क्या है, गंदी की जेवरात है, सिल्वर और पुराने ज़माने के। ये तो तांबे के लगते हैं, और वापा हवा पर ऊपर लिखा हुआ है कि सिल्वर के है, छोड़ो जिस चीज़ के भी है, लेकिन कुछ खास नहीं है। आजकल के ज़माने में हम इसी तरह जानवरों के गाले में डालते हैं, अगर आपने देखा हो, पता नहीं ये पुराने ज़माने में लोग किस तरह इसको किस तरह पहनते, लिखा हो यार आप, मैंने देखा ठीक से। तो ये देखो शहजादी पड़ी हुई बहुत जैसे देखती है, बहुत खुश देखती है, देखो और अंगूठे भी पहने हुए हैं। ये देखो ये चांदी के बर्तन और जेवरात हैं, ये गड़ी मटी वगैरह पड़े हुए, ये तो हथकड़ी देखते, पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये भी कोई कंगड़ वगैरह जो होता है ना, जो आजकल के वक्त ज़माने में फूल से बने होते हैं, ये वही चीज़ है। और ये तो जानवर का नाता लगते हैं, जो नाक में आजकल के लोग डालते हैं, ये तो बड़ा बड़ा, ये तो बहुत बड़ा है, पता नहीं क्या है। और ये है दूसरी जगह, ये तो बहुत बड़े बड़े बूत बने हुए हैं, ये देखो देखो ये टूटा हुआ अभी। ये तो मिस्र का, मिस्र में इसी तरह भी एक मैंने देखा था वीडियो में, इसका नाम क्या है, महात्मा बुद्ध के मुजस्मे का सार। ये महात्मा बुद्ध है जिसका महात्मा नाम रखा है किसी ने, उनका सार है यहाँ पर, किसी ने सार यहाँ पर लाया हुआ है, और पता नहीं इसका मुजस्मा कहाँ होगा, किसी ने सार इसका जुदा किया है यहाँ पर। सारे सर भूत मत ही है और कुछ नहीं है खास, ये देखो इसका सर नहीं है। ये क्या है? ये भी मार्बल जैसे पत्थर है, पता नहीं दुहर महाराज जी का स्तूप से दस्तियाब शुदा शीशे की फारसी ईंट है, ये ईंट है पुराने ज़माने के, इस शीशे में बंद किया गया है पत्थर। नहीं ये क्या चीज़ है, म्यूरल पेंटिंग्स ऑफ द बुद्धा जीनान वाली डेयरी। देखो अब हम म्यूज़ियम से बाहर निकले हुए, ये म्यूज़ियम के बाहर ही का मनाज़र आप देख रहे हो, बहुत ही खूबसूरत है। अंदर तो सारे पत्थर पड़े हुए यार, कुछ मज़ा नहीं आया वैसे, खैर शौक था तो वो भी पूरा हो गया। मैं बहुत दिनों में सोचा था कि मैं यहाँ म्यूज़ियम में जाऊँगा, कभी नहीं गया। तो ये बाहर का मनाज़र है इस म्यूज़ियम के साथ ही, बहुत खूबसूरत है अंदर से, यह जगह बहुत खूबसूरत है, ये देखो बहुत सारे, लेकिन लोग कम बहुत आते हैं, पता नहीं ईद के दिनों में भी इस तरह होगा या, बहुत अजीब जगह माशाल्लाह। तो ये थी हमारी पहली व्लॉग की वीडियो, तो इस वीडियो देखने के लिए हमारा सपोर्ट करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मज़ीद इसी तरह वीडियो मैं और भी बनाऊंगा अगर आप लोगों ने सपोर्ट की, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।